रथ यात्रा मेले के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। कोरोना के कारण भक्त और भगवान के बीच बनी दूरी 2 साल के बाद समाप्त हुई है। ऐसे में रथयात्रा मेले में लोगों की काफी भीड़ हो रही है। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वहीं रथयात्रा मेले के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें तुलसी दल की माला, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित किया। वहीं मेले में खाने पीने के स्टॉल, झूलों इत्यादि का जमकर आनंद लिया। प्रशासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, इसका हम तहे दिल से मोदी जी और योगी जी का शुक्रिया करना चाहते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी है। आगमन आयावन और जायावन हो रहा है, आगमन और निगम हो ही रहा है, दर्शन भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। बिल्कुल, बात की जाए तो क्या बनारस के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं बाबा का दर्शन करने? बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भीड़ होती होगी? बहुत भीड़ होती है। कितनी भीड़ होती होगी, आंकड़ा क्या है? 3 दिनों में लाखों से ऊपर का आंकड़ा जाता है, बाबा के इतने भक्त हैं जी। और प्रशासन का सहयोग बताया जाए, क्या है? प्रशासन का पूर्ण सहयोग है जी। और जो मेला जिस तरीके से लगता है, तो क्या इस बार कोरोना काल के बाद जो पहली बार लग रहा है बाबा का रथ लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि अभी